9 साल का था जब मैं कदाफी स्टेडियम अपनी अम्मा के साथ माँ के साथ मैच देखने गया था। रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज जैसे कि 14 अगस्त तो काफ़ी गुजरे हुए काफ़ी दिन हो गया, लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मुझे एक ब्लाइंड फ्यूचर एक एकेडमी है वहाँ से इनवाइटेड आया है, मुझे वहाँ पे इनवाइट किया है। तो यह है कि आज मैं एक्साइटेड हुआ जाने के लिए। वहाँ पर काफ़ी ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काफ़ी सारे मतलब के कोई प्रोग्राम करने और नगमे और अपनी कारकर्दगी पेश करनी है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। तो ये करते हैं कि शायद भी आएंगे तो फिर आगे चलेंगे जहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है। जैसे कि शायद भाई आ चुके हैं और अभी हम जाने लगे हैं वहाँ पे जो इनवाइटेड था ब्राइट फ्यूचर में। जी ये असल में जो इनविटेशन आया वो शायद भाई की वजह से आया। ऐसे ही शायद भाई जी, बिल्कुल वो बहुत बड़े एक्साइटेड वहाँ जाने के लिए। बहुत अच्छे इंसान है अबू बकर भाई और उनसे भी आप जी मैं अबू बकर भाई से भी खास मुलाकात हुई, काफ़ी तारीफें कर रहे हैं। और चलते हैं ब्राइट फ्यूचर जहाँ पे इनका ये प्रोग्राम हो रहा है, तो देखते हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है। हाँ जी, ये पहुँच गए उस बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे ये प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है। तो और क्या किस तरह से हो रहा है आपके, चलते हैं अंदर जहाँ पे ये हो रहा है। सीढ़ियाँ चलनी ऊपर वाले या ऊपर जाना है जी। तो ये अबू बकर साहब हैं जिन्होंने शाहिद भाई के थ्रू जिन्होंने हमें इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई आपका, और काफ़ी तारीफ सुनी थी आपकी। तो अच्छा मुझे ये बताया कि आप ये कितना अरसा हो गया आपको ये चलाते हुए ब्राइट फ्यूचर। ये 2013-12 जून हमने स्टार्ट किया था और मुल्क भर से जो बसारत से महरूम बच्चे हैं वो तशरीफ़ लाते हैं हम उनकी तालीम पर रोज़गार पर, और हम वो मुकाम दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको ये डिज़र्व करते हैं। खुसूसी अफराद हैं और खुसूसी प्रोटोकॉल हम देते हैं इनका, रहायश, खाना पीना, लॉन्ड्री वगैरह, ताकि ये माशरे में अपने एक मुनफरद मकाम से पहचाने जाएं, अपने किरदार से तो ये पहचाने ही जाते हैं। तो बाकी के जो भी हैं बकर भाई की जो स्टोरी है, मैं मज़ीद आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर व्लॉग होगा इनके पास टाइम हो तो इनसे मैं तसल्ली से पूछूँगा। तो अब आगे का इनका क्या प्लान है, प्रोग्राम है, चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। बहुत शुक्रिया। अजीम तर हम बना रहे हैं। और कल जो यासर भाई के जज्बात थे वो सुने और यकीन करें आंखें अश्कबार हुई और फरमाए थे कि मैं सुन रहा था और मैं रो रहा था कि क्या वाकई वतन की मट्टी हम तुम्हारी गवाही में इसको अजीम तर बना रहे हैं, तो अजीम है क्या हम अजीम तर बना रहे हैं। तो ये आप जब आप किसी हालात की या वाकयात की चक्की में पीस कर जब इस उम्र को पहुंचते हैं तो इस फिक्रे की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने आज 14 अगस्त पहली मर्तबा इंसानों की तरह गुजारा है। मुझे याद पड़ता है मैं 9 साल का था जब मैं कदाफी स्टेडियम अपनी अम्मा के साथ माँ के साथ मैच देखने गया था। उस वक्त से लेके आज तक मुझे ऐसी खुशी नहीं मिली जो मुझे आज मिली है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है वह शहबाज गिल की है, वो जेल में।
और उसने अपनी कौमी यूथ के लिए एक पैगाम भेजा है, आप सुनने के लिए तैयार हैं? कौमी यूथ सुने जरा शुभाष गिल क्या कहता है, कहता है पढ़ाई छोड़ गालम गलौच में नाम पैदा कर, बन शुभाष गिल और पीटीआई में कर शिरकत, दरारे मुगलजात में मकाम पैदा कर। मेरे पाकिस्तानियों, हमारा मिशन है इस पाकिस्तानी आवाम को जगाने का जो हम सारी उम्र नहीं कर सकते। मैं इस ऑडियंस से कहना चाहता हूं, मैं लेट गया हूं, मुझे प्रवेश दिलाने लिटा लिया है। हमारे पास 178 सीटें थी, हमने, मुझे अफसोस है, मेरी आवाम ने वोट पीटीआई को दिया, लेकिन बदकिस्मती से वजीर आला काफ लीग का बन गया है। अब इसका क्या किया जा सकता है? उसने तो बड़ी कोशिश की थी कि पूरी कब्र में डुबो दे उसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच गया। अगर आप में से किसी ने सवाल पूछना पूछ सकता है। जी खान साहब, यकीनन आई ही आप काबू आए हैं, तो सवाल ये तो सुनते हैं, काम तो करते नहीं। अच्छा ये बता दें आप कि ये जो 14 अगस्त को योम आज़ादी पे सुभाष शिव साहब ने वहाँ पे आर्ट की सूरत में गाने और मुजरे का इतमाम किया है, तो इस पे वो अपना कमेंट दे दें। ये पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, ये शबाज शरीफ नहीं है, ये शोबाज शरीफ है। दूसरी बात ये है कि शबाज शरीफ ने मेरी सुन्नत पे अमल किया है, सारी उम्र मैंने लड़कियां नचाई हैं, अगर आज उसने भैंसे नचा दिए तो क्या हो गया? बहुत शुक्रिया मेरे पाकिस्तानियों, बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल जाहिर की मिसाल। Okay.